स्टूडेंट गॉट इट माई पॉइंट. वन मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सो 1000, सो 14 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 14 × 100 सेंटीमीटर, 1400 सेंटीमीटर. तो ये चारों सम एक दूसरे के बेस पे ही है. गॉट इट स्टूडेंट? 26 का आप कर सकते हो. पीडीएफ तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पर. नाउ स्टूडेंट, मेथड इज सेम बट आपको इसमें क्या करना है, ऑल वैल्यूज आर गिवन इन द सेंटीमीटर एंड यू हैव टू चेंज मीटर. ओके स्टूडेंट, अगर बड़ी वैल्यू मीटर में से छोटी में जाते हैं तो मल्टीप्लाई होता है 100 सेंटीमीटर, लेकिन छोटी वैल्यू में से जब बड़ी में आते हैं तो हमें 100 से डिवाइड करना है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड, डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे. तो 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे. 600 सेंटीमीटर है, हमें चाहिए मीटर में. तो 600 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 का, 2020 कट जाएंगे, बचेगा 6, क्या आया 6 मीटर. वैसे आपको 900 में मल्टीप्लाई करना है 1/100 का, 0 से 0 कैंसिल, बचा क्या 9. तो 9 क्या है हमारा, 9 मीटर. ये दोनों सम एक जैसे ही हैं. चलते हैं नेक्स्ट सम पे. नेक्स्ट सम में स्टूडेंट क्या करना है, हमें मीटर और सेंटीमीटर दोनों में चेंज करना है. तो चलिए इजी मेथड देखते हैं. 145 सेंटीमीटर को स्टूडेंट क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ टू पार्ट में, 100 सेंटीमीटर प्लस 45 सेंटीमीटर, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है. तो मैं 100 सेंटीमीटर की जगह पे 1 मीटर लिख सकता हूँ. तो 1 मीटर और 45 सेंटीमीटर आ गया मेरा, यस आ गया. तो लिख दीजिए यहाँ पे. सेकेंड, 360 सेंटीमीटर. सो 360 को क्या मैं 300 प्लस 60 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 300 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 मीटर हो सकता है, यस. और 60 सेंटीमीटर हो जाएगा 3 मीटर 60 सेंटीमीटर. ओके, रिमेनिंग सम एक जैसे ही है, कर लोगे. नाउ स्टूडेंट, ये जो सम है वो एक टेबल दिया गया है चिल्ड्रन की लॉन्ग जंप की, एंड यू हैव टू राइट फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजिशन ऑफ द स्टूडेंट. तो आप देख पाएंगे हाईएस्ट जंप किया है दिव्य राज ने 4.50 मीटर, सो इट डिजर्व फर्स्ट पोजिशन. उसके बाद सेकेंड रैंक है जिग्नेश 4.48 मीटर, आई हैव रिटन ये जिग्नेश. थर्ड पोजिशन पर मितेश 4.45 मीटर जंप किया है. नाउ स्टूडेंट, अब आपको कन्वर्ट करना है पैसे को. सारी वैल्यू आपको दी गई है इन रुपीस एंड यू हैव टू कन्वर्ट इनटू पैसे, पैसे में कन्वर्ट करना है. चलिए देखते हैं स्टूडेंट. वी नो दैट 1 रुपीस इक्वल टू 100 पैसा, यू ऑल आर नो दैट. इन प्रीवियस चैप्टर पार्ट्स ऑफ होल, इन चैप्टर नंबर 4 आई एक्सप्लेन अबाउट दिस पैसा एंड रुपीस. ठीक है, 1 रुपीस में 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे. तो यहाँ पे आपको 6 रुपीस दिया है, तो 6 रुपीस में आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 600 पैसे. तो 6 रुपीस का मतलब 600 पैसे. 17 रुपीस है, पैसे में कन्वर्ट करना है, 1 रुपीस 100 पैसे के बराबर है. तो 17 × 100, तो 1700 हमारा आंसर आएगा. तो 1700 पैसे. रिमेनिंग सम इसके जैसे ही हैं, सिमिलर रिमेनिंग सम्स आर सिमिलर टू दिस सम. ओके, नाउ नेक्स्ट सम इज कन्वर्ट इनटू रुपीस. इसको रुपीस में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट. बड़ी में से छोटी में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 पैसे. अब पैसे से हमें रुपीस में जाना है, तो हम इन सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से. तो 900 पैसे को रुपीस में लाने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, बचा क्या 9. तो 9 हमारा क्या हो गया, 9 रुपीस.
1600 पैसे, तो 1600 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, बचा क्या 16, 16 इज अवर आंसर, 16 रुपीज़, 9 रुपीज़, 16 रुपीज़ आ गए। रिमेनिंग सम्स आर सिमिलर टू दिस सम। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट सम इज कन्वर्ट इनटू पैसे, पूरी वैल्यू को पैसे में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट इसमें से जो आधी वैल्यू है वो हमें ऑलरेडी दी गई है पैसे में, तो इसको तो कुछ करना नहीं है, वी डोंट नीड टू चेंज इट, हमें इसकी चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट रुपीज़ को तो हम चेंज कर सकते हैं पैसे में, जो पैसे में है उसे पैसे में रहने देना है और जो रुपीज़ में है उसे पैसे में लाना है। तो 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसा, तो 2 रुपीज़ में 100 पैसे का मल्टीप्लाई होगा, तो 200 पैसे प्लस 50 पैसे कितने होंगे टोटल 250 पैसा। और सेकेंड सम में भी ऐसे ही करना है, रिमेनिंग सम में भी यही करना है। ओके स्टूडेंट, आई होप यू मे हैव इन्जॉयड माई वीडियो, आपने मेरे वीडियो को इन्जॉय किया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे से चलाऊंगा। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम स्टे सेफ।